हेलो फ्रेंड्स दिस इज राजीव एंड वेलकम टू रेस विथ राजीव डिस्कस करेंगे आज एक टॉपिक जो रहेगा संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि सभी वन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक तरीके से कह सकते हैं ये एक यूनिवर्सल चैप्टर होता है और इससे नियर अबाउट टू क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं चाहे आप जो हमारे सामने अभी यूपी लेखपाल को ले लीजिए या फिर वो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का हो चाहे सुपर टेट की बात करें या के की बात करें या एन की बात करें या जो भी हो है ना उसके अलावा एस एस सी सी जी एल एस एस सी सी एच एस एल रेलवे बैंकिंग सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है तो हम देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है संख्या पद्धति <coughs> संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बहुत ही इजी वे में हम इसको समझेंगे देखने में थोड़ा सा ये लगता है कि होता है मतलब थोड़ा टेढ़ा दिखता है लेकिन होता नहीं है जैसा हम समझते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिट अंक किसे कहते हैं अंक अंक या इसी को हम डिजिट बोलते हैं तो देखिए डिजिट किसे कहते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन ये हमारे पास कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये वो सिंबल होते हैं ये एक तरीके से चिन्ह होते हैं जिसके जिससे हम क्या करते हैं नंबर्स को दर्शाते हैं संख्याओं को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं अंक बोलते हैं है ना तो ये क्या है इसी को अंक कहते हैं जब इन अंकों का कुछ स्थान फिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं संख्या बोलते हैं जैसे अगर मैं लिखता हूं नाइनटी टू ये बानवे अगर लिखा हूं तो यहां पर हमने दो अंकों का प्रयोग किया है नौ और दो यहां पर अगर दो की बात किया जाए तो दो का जो प्लेस है दो का जो स्थान है वो कौन सा है इकाई है इसका जो स्थान वो कौन सा है इकाई स्थान है और इसकी बात करें तो ये दहाई के स्थान पर है है ना यानी कि ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है तो ये दोनों का जो स्थान है वो क्या है सुनिश्चित है तो ऐसे जब हम किसी अंकों के स्थान को सुनिश्चित कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं संख्या बोलते हैं तो अंक क्या होते हैं तो अंक एक प्रकार के सिंबल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं क्लियर ये बात अब बात करते हैं कि इनके जो स्थानों को हम फिक्स करते हैं उन स्थानों को किन किन नामों से जाना जाता है तो अगर किसी संख्याओं को हम उनके स्थान के थ्रू पहचानते हैं तो उसके स्थानीय मान कहलाते हैं प्लेस वैल्यू कहते हैं स्थानीय मान कहते हैं स्थानीय मान या इसी को हम प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं ठीक है और अगर उन संख्याओं को हम उनके अंकों से मतलब कि उनको देखकर ही पहचान जाते हैं तो उसको हम उनकी जातीय मान या अंकीय मान कहते हैं फेस वैल्यू कहते हैं जातीय मान इसको जातीय मान कहते हैं फेस वैल्यू कहते हैं कभी कभी एग्जाम में वो जातीय मान न लिखकर अंकीय मान लिखता है वो गूगल की गड़बड़ी है गूगल जब फेस वैल्यू को ट्रांसफर करता है हिंदी लैंग्वेज में तो वो क्या करता है उसके जगह पर अंकिय मान लिख देता है तो इसको देखकर आप कंफ्यूज मत रहिएगा तो अब देखते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या हैं देखिए अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी को बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी तो हम नरेंद्र मोदी जी को पहचानते हैं कैसे पहचानते हैं तो उनको हम उनके पद से पहचानते हैं उनके जो वैल्यू है इस देश में उनकी जो स्थान है जो उनका पद है जो उनका प्लेस है हम उसके थ्रू उनको पहचानते हैं यानी कि जब किसी चीज़ को हम उसके स्थान से उसके पद से पहचानते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं उनका स्थानीय मान बोलते हैं प्लेस वैल्यू बोलते हैं दूसरे वे में अगर बात करें कि जाती मान क्या होता है तो अगर किसी को हम उसके चेहरे से उसके हाव भाव से उसके नाम से अगर पहचानें तो वो उसका जातीय मान होता है जैसे अगर मैं कहूं कि मैं राजीव की तरह दिखता हूं तो मैं तो राजीव हूं हम कहते हैं ना कि देखिए वो राम जा रहा है वो राम जा रहा है मतलब कि राम को हम चेहरे से पहचान रहे इसका मतलब है कि जिसको हम चेहरे से पहचान ले वो उसका क्या हो गया फेस वैल्यू हो गया जातीय मान हो गया और जिसको हम उसके पद से पोस्ट से पहचानते हैं वो उसका क्या होता है स्थानीय मान होता है क्लियर है बात अब उन्हीं के बारे में हम यहां पर देखेंगे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है टू थ्री सिक्स फाइव हमने एक नंबर लिया है इस नंबर में हमें क्या देखना है कि अगर मैं बात करूं कि का पांच के स्थानीय मान की बात करें तो पांच का स्थान क्या है तो पांच का स्थान आप कहेंगे इकाई है यानी कि अगर इसके स्थानीय मान की बात किया जाए तो पांच गुणा में एक बराबर क्या हो जाएगा पांच है ना या हम दूसरे में कह सकते हैं यहां पर क्या कि ध्यान से अगर देखेंगे तो पांच के बाद कोई अंक नहीं है तो जब पांच के बाद कोई अंक नहीं है तो हम पांच के आगे कुछ नहीं लिखते हैं ठीक है ना लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करें यहां पर जो अंक छह है और मैं पूछूं कि छह का स्थानीय मान क्या है तो आप कहोगे छह का जो स्थान है वो दहाई का स्थान है ठीक है तो छह का जो स्थान है वो दहाई का स्थान है यानी कि हम छह में गुणा करेंगे दस से तो ये दे देगा हमें साठ तो साठ जो होगा यहां पर छह का स्थानीय मान होगा दूसरे शब्द में बोले तो छह के दाहिने साइड में छह के राइट में कितने डिजिट हैं? तो छह के राइट में एक डिजिट है तो छह का स्थानीय मान कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा ऐसे ही अगर हम तीन की बात करें कि तीन का स्थानीय तो क्या है तो तीन का स्थान क्या है तो तीन का स्थान है सैकड़ा है ना हंड्रेड क्या बोलते हैं तीन का जो प्लेस है वो हंड्रेड प्लेस है तो जब प्लेस है तो हम थ्री में किसको मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड को यानी कि थ्री मल्टीप्लाईड बाई हंड्रेड और ये मिलेगा हमको थ्री हंड्रेड यानी कितने अंक हैं तीन के बाद दो अंक हैं तो हमने यहां पर तीन के बाद दो जीरो लगा दिया ऐसे ही अगर हम दो की बात करें तो दो हजार इसका स्थानीय मान क्या होगा दो हजार होगा कैसे होगा क्योंकि दो का जो प्लेस है दो का जो स्थान है वो कितना है तो दो का जो स्थान है वो हजारवां स्थान है है ना दो का जो स्थान वो हजार है यानी कि थाउजेंड्स तो ऐसे को हम क्या लिखते हैं टू थाउजेंड टू में हमने क्या किया थाउजेंड का मल्टीप्लाई कर दिया हमको टू थाउजेंड मिल गया या यू कहिए कि दो के बाद तीन अंक है तो हमने दो के बाद तीन शून्य लगा दिए तो ये क्या देता है इसका स्थानीय मान अब इसी में इसके अगर जातीय मानों की बात करें कि इसके अंकीय मान अंकी क्या होंगे तो बस देखकर पांच है तो पांच का अंकीय क्या होगा पांच होगा छह है तो छह का मान छह होगा तीन है तो तीन का मान तीन और दो का मान क्या हो जाएगा दो हो जाएगा ये इसके क्या दे देंगे फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इस पर कहीं कही ना कहीं से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हंड्रेड परसेंट देखने को मिलता है तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है बहुत इजी वे में क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे इस पर क्वेश्चन पूछता कैसे है ना उसको देखिए इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन है आठ लाख सड़सठ हजार नौ सौ तिरालीस में सात के स्थानीय और जाति मानों में क्या अंतर है आठ लाख सड़सठ हजार नौ सौ तिरालीस हमारे पास नंबर है आठ लाख सड़सठ हजार नौ सौ तैतालीस और इसमें बोला है कि सात के स्थानीय मान और जातीय मानों का अंतर और हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नौ ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है नौ हजार सात हजार नौ सौ छत्तीस सात हजार नौ सौ छत्तीस ऑप्शन सी है 6900 हजार नौ सौ तिरानवे छह हजार नौ सौ तिरानवे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं है ना अब चलिए देखते हैं कि सात के स्थानीय मान और इसके जातीय मान क्या होंगे फिर उनके बीच का हम अंतर देखेंगे तो यहां ध्यान दीजिए अगर मैं सात के स्थानीय मान की बात करता हूं तो सात का स्थान कौन सा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि सात के अगर स्थानीय मान की बात किया जाए तो सात गुणा में एक हजार और ये दे देगा हमको क्या सात हजार ठीक है ये बात सात का स्थानीय मान क्या हो जाएगा सात हजार अब सात का अंकीय मान क्या है तो सात का अंकीय मान तो सात ही होगा इनके बीच का अंतर पूछा है अंतर निकाल लेंगे तो दस में से सात गया तीन बच गया ये नौ हो गया यहां भी नौ हो गया और यहां पर छ हो गया तो छह हजार नौ सौ तिरानवे इज द राइट आंसर और हमारा ऑप्शन नंबर नंबर सी सी क्या होगा होगा राइट राइट आंसर होगा। नंबर सी राइट आंसर ऑप्शन इज द ठीक है तो यहां पर पूछा है कि आठ लाख सड़सठ हजार नौ सौ तैतालीस में सात के स्थानीय मान और जातीय मानों का अंतर क्या होगा तो उनके बीच का अंतर आपको दिख रहा है क्लियर ये बात चलिए एक और क्वेश्चन इस पर है क्वेश्चन नंबर टू देखें क्या बोलता है है ना क्वेश्चन नंबर टू लगाइए तो क्वेश्चन नंबर टू आपके पास है छ लाख नवासी हजार दो सौ पैंतीस छ लाख नवासी हजार दो सौ पैंतीस में नौ और तीन के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा यह क्वेश्चन है छह लाख तिरासी हजार छह लाख सॉरी छह लाख नवासी हजार दो सौ में नौ और तीन के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है कि इसका अंतर क्या होगा तो देखिए इस क्वेश्चन का पहले तो मैं ऑप्शन बता दूं आपको ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे नौ हजार दो सौ आठ हजार नौ सौ सत्तर ऑप्शन नंबर सी है छह और ऑप्शन नंबर डी है चालीस तो देखिए स्थानीय मान इसमें एक अंक का नहीं पूछ रहा है यहां पर दो दो अंक है नौ और तीन और नौ और तीन दोनों का हम क्या निकालेंगे स्थानीय मान यहां पर कहीं भी प्लेस वैल्यू की ही बात किया फेस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है तो चलिए देखिए नौ का स्थान देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार नौ का स्थान क्या हजारवां है तो अगर नौ के स्थानीय मान की बात करें तो नौ गुणा में एक हजार करेंगे और नौ गुणा में एक हजार हमको क्या दे देगा नौ हजार ठीक है तो बात समझ में आ रही होगी कि नौ का जो स्थानीय मान है वो कितना है नौ हजार अगर तीन की बात करें तो इकाई और दहाई तीन का जो स्थानीय मान है वो तीन गुणा में दस बराबर तीस है।, है ना और इनके बीच का अंतर पूछा है तो इसके बीच का अंतर निकाल लेते हैं जीरो माइनस जीरो करेंगे जीरो आ गया अब ये इसको एक क्या दे देगा उधार दे दिया तो दस में से तीन गया सात बच गया और यहां पर हो गया नौ और ये हो गया आठ तो आठ हजार नौ सौ सत्तर जो होगा हमारा परम सत्य आंसर होगा और यहां पर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं उनको हम डिस्कस कर ले होता है क्या है एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछता है कि हम जानते हुए भी वहां पर गलती करते हैं और ऐसी गलती अक्सर देख हो जाता है चाहे मैं हूं चाहे आप हो किसी से भी हो जाता है मैं खुद एक अभी अपने आप को मैं एक स्टूडेंट ही मानता हूँ बहुत बड़ा टीचर या बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं तो चलिए देखते हैं कि क्या है अगली चीज़ उसको समझते हैं है ना प्लीज़ आप अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते हैं तो उसको प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करिए है।, है ना इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन तक मेरी बात पहुंचेगी और वो मुझसे अगर कुछ सुनते हैं कुछ समझते हैं तो ऊपर वाला मुझे भी कुछ पुण्य का भागी बना देगा है ना तो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज उसको शेयर करना मत भूलिए कम से कम तो पाँच लोगों को शेयर कर दीजिए है ना और उसको सब्सक्राइब भी करते रहिए तो चलिए देखिए अगली चीज में बात कर रहा हूं जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है अभाज्य संख्या इस चीज को समझिए अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या या इसको कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर प्राइम नंबर ठीक है हम भारत में रहते हैं भारत एक बहुभाषी देश है और बहुभाषी देश में बाईलैंग्वेल तो पढ़ाना एकदम कॉमन हो गया है आज के टाइम में हा ना दो दो भाषाओं में पढ़ाओ हिंदी में पढ़ाओ अंग्रेजी में पढ़ाओ तेलुगु में पढ़ाओ मराठी में पढ़ाओ सब समझते हैं तो देखिए अभाज्य संख्या कहते है कि हैं किसे सबसे पहले तो इसके प्रकृति को जान लें इसके नेचर को जान लें इसकी परिभाषा जान लें तब इसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं क्या होता है अभाज्य संख्या कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दो ही फैक्टर होता है यानी कि वो वन से और अपने आप से डिवाइड होते हैं यानी कि इन दो नंबर्स के अलावा अगर हम इनको किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है ठीक है तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो एक से और खुद से कटती हैं या एक और खुद से भाग देने पर अगर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं ठीक है जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं कि हमारे पास एक संख्या है सत्रह सेवनटीन अगर सत्रह को देखा जाए तो सत्रह सिर्फ एक से और अपने आप यानी कि सत्रह दो दोनों से क्या होगा डिवाइड होगा यानी कि इससे भाग देने पर जो होगा होगा वो क्या शून्य प्राप्त होगा अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई को अगर एक से हम भाग देते हैं तो एक का पहाड़ा बार पढ़ेंगे, एक गुड़े सत्रह करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सत्रह मिल जाएगा कट जाएगा और सत्रह के पहाड़े में सत्रह जो होता है वो सत्रह एकम सत्रह आता है यानी कि इन्हीं दोनों से कटेगा इसके अलावा दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस जो भी पहाड़े पढ़ेंगे उसमें कहीं भी आपको सत्रह देखने को नहीं मिलता है तो हम यहीं से इस चीज को कह सकते हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद से और साथ ही साथ एक से भाग देने पर अगर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं ठीक दूसरी चीज में एक इसमें रिमार्क आपको जानना बहुत जरूरी है कभी कभी यहीं पर हम गलती कर देते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है है ना क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में एक ही चीज चलता है कि सबसे छोटा नंबर यार जीरो होता है या सबसे छोटा नंबर वन होता है भाई साहब जो सबसे छोटा नंबर आप जीरो कहते वो सबसे पूर्ण संख्या होता है सबसे छोटी होल नंबर होती है और अगर मैं वन को कंसीडर करूं कि वन सबसे छोटा होता है तो वन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है है ना सबसे छोटी नेचुरल नंबर द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो लेकिन अगर बात करें कि सबसे छोटा है ना क्या बात करें जाए स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है दो से छोटी कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू अगर आप कहते हैं कि सर वन इज ऑल्सो प्राइम नंबर नहीं होता है अगर आप कहते हैं कि वन वन से भी कटता है और खुद से भी कटता है तो अगर मैं कहूं कि ये खुद से कटता है तो ये खुद में क्या है वन है और फिर ये वन से कट रहा है वन को कितनी बार दौड़ाएं हम थक जाएगा है ना तो वन क्या होगा हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है प्राइम नंबर यहां पर क्या होगा टू होगा अब कैसे होगा अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 दो ही नंबर से कट सकता है एक तो ये किससे कटेगा 1 से कटेगा दूसरा किससे कटेगा इटसेल्फ दैट इज 2 है ना तो 1 के कितने फैक्टर हुए दो सॉरी 2 के कितने फैक्टर हुए तो इसके दो फैक्टर हुए कौन-कौन से एक तो ये 1 हो गया और दूसरा खुद ब खुद इन्हीं दो संख्याओं से कटता है तो ऐसी संख्याएं जो 1 से यानी कि 1 से और खुद से भाग देने पर अगर शेषफल जीरो बचता है तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं ठीक है एक रिमार्क और यहां पर पूछता है सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या तो सम अभाज्य संख्या यानी कि इवन प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर प्राइम नंबर भी क्या होता है टू होता है वो चंचल है हर जगह कूद कर पहुंचता है है ना <laughs> देखिए, अगर मैंने बात किया सबसे छोटी टू अभाज्य संख्या टू इसके अलावा आप कोई भी संख्या लेंगे वो कभी भी इवन नंबर नहीं होता है आप टू के अलावा थ्री बात करेंगे फाइव है ना थ्री फाइव सेवन अलेवन थर्टीन 17, नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी वन थर्टी सेवन ये जितनी भी संख्या मैं लिखा ये सब के सब क्या है प्राइम नंबर है ये सब अभाज्य संख्या है परंतु इन अभाज्य संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या मौजूद नहीं है जो कि सम संख्या हो है ना तो सिर्फ दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सम, सब के सब विषम अभाज्य संख्या होती है ओनली टू इज द इवन प्राइम नंबर ठीक है अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है तो चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन लगाया है जाए अगला हाँ ना? तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं चलिए देखते हैं आपके पास क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपके पास ऑप्शन है ठीक है यह ऑप्शन दिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ऑप्शन है जीरो वन टू या फिर थ्री जैसा कि हमने अभी परिभाषा में पढ़ा कि यहां का अगर मैं बात करूं जीरो क्या है तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है सबसे छोटी क्या है पूर्ण संख्या है, ठीक है जीरो क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है एक क्या है एक एक क्या है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ठीक है अगर मैं बात करूं तीन क्या है तो तीन कुछ भी नहीं है तीन भैया एक तरीके से तो देखो तो ये होल नंबर भी है ये नेचुरल नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है लेकिन इसको किसी भी प्रकार का भारत रत्न नहीं मिला है है ना तो हम यहां पर तीन की बात नहीं करेंगे तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दो होगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हमारा परम सत्य आंसर होगा ठीक है ये बात क्लियर है अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और है सत्तर से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है प्रश्न है आपके पास सत्तर से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है क्वेश्चन देखिए सत्तर से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है और हमारे पास ऑप्शन है सत्रह अठारह उन्नीस और बीस तो इसको हम क्या करेंगे अब इसको तो हमें देखकर लिखना पड़ेगा है ना कि सत्तर से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो चलिए खोजते हैं सत्तर से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ठीक है सत्तर से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो भई शुरू करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगा फिर तीन फिर पांच उसके बाद सात फिर ग्यारह तेरह सत्रह फिर बताइए उन्नीस है ना बीस बीस कहाँ होता है यार उन्नीस फिर इक्कीस सात या इक्कीस इक्कीस नहीं है प्राइम नंबर तेईस तेईस हो गया उनतीस ले सकते हैं उनतीस होता ही है लेके आ सकते हैं फिर तीस नहीं होगा इकतीस बत्तीस तैतीस ये तो सब पहाड़े में आते हैं चौतीस पैतीस छत्तीस सैतीस अठतीस उन्नीस दुना के अठतीस वो भी प्राइम नंबर नहीं है उनतालीस तेरह तीर उनतालीस चालीस नहीं होता है इकतालीस ले सकते हैं बयालीस बयालीस चौदह तिया के बयालीस तैतालीस भैया होता है तैतालीस लिख लो है ना चौवालीस ग्यारह चौक चौवालीस पैतालीस पंद्रह पैतालीस छियालीस तेईस दुना छियालीस सैतालीस सैतालीस क्या है एक प्राइम नंबर है सैतालीस अड़तालीस उनचास सात सत्य उनचास पचास इक्यावन सत्रह तिया इक्यावन बावन छब्बीस दुना के बावन तिरपन है ना चौवन पचपन छप्पन सत्तावन उन्नीस या सत्तावन होता है अट्ठावन उन्सठ होता है साठ नहीं होता है इकसठ है ना बासठ होता है, तिरसठ तिरसठ अरे भैया तिरसठ तो प्राइम नंबर नहीं है है ना चौसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ ले सकते हैं क्या ले सकते हैं सड़सठ तो इसको काउंट करिए सड़सठ फिर अड़सठ नहीं होता है उनहत्तर नहीं होता है सत्तर सत्तर के नीचे ही पूछा है तो इनमें देखिए कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस तो यहाँ पर कितने प्राइम नंबर हैं उन्नीस प्राइम नंबर हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टोटल कितने प्राइम नंबर हैं उन्नीस प्राइम नंबर हैं विच आर लेस देन सेवेंटी क्लियर है बात तो यहां पर उन्नीस प्राइम नंबर हैं जो कि आपके सामने दिख रहे हैं आई होप इट इज़ क्लियर तो ये तो अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप हमारी भावनाओं को समझे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप वीडियो पर नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दब, दबाना ना भूलें ताकि जो भी नए अपडेट्स हो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए राधे राधे राम राम